हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, यहाँ पर हम साइंस के 1000 बेस्ट एमसीक्यू की सीरीज को चला रहे हैं। यकीन मानिए, इस सीरीज के बाद आपको साइंस के बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और आपका साइंस पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। इस सीरीज में हम केवल 1000 बेस्ट एमसीक्यू तो देखने के लिए होगा, लेकिन इतना हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर रिवाइज करेंगे, इतना एनालिसिस अच्छे से करेंगे कि आपका पूरा का पूरा साइंस एक बार में रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारे इस सीरीज का दूसरा दिन है। हर एक सेट में हम 20 प्रश्नों को लेते हैं और डिटेल में इसको एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आज दूसरे दिन के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति आखिर कौन करता है? बॉडी के अंदर हु सप्लाइज ऑक्सीजन टू द बॉडी? RBC, WBC, प्लाज्मा या फिर ब्लड प्लेटलेट्स? तो अगर बात करें कि ब्लड में ऐसा कौन सा ये चीज है, ब्लड के कॉर्पसल्स में, ब्लड में ऐसा क्या है जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से यानी कि फेफड़ों से टिश्यूज तक पहुंचाता है, कौन है ऐसा? तो ब्लड में, ब्लड के कॉम्पोजिशन में आपका पाया जाता है RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसका नाम इरिथ्रोसाइट भी है। याद रखिएगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये जो RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसल, लाल रक्त कणिकाएं, यही जो है ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को सप्लाई करता है लंग्स से बॉडी के हर एक पार्ट में। अब हम थोड़ा सा ब्लड पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर ह्यूमन ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो एक तो आपका होता है, याद रखिएगा, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा जो कॉम्पोजिशन है वो आपका ब्लड प्लेटलेट्स कॉर्पसल्स है, यानी कि रुधिराणु कहा जाता है, ठीक है, रुधिर के कण, रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसल्स। अब अगर इसके रेशियो की बात करें तो प्लाज्मा का रेशियो, ये अगर परसेंटेज कहें तो ये 60% होता है, रुधिराणु 40%। अब इस रुधिराणु में जो लाल रक्त कणिकाएं, कौन कौन सी कण पाए जाते हैं, तो आपका RBC, WBC और आपका प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स पाया जाता है। RBC का और जो नाम है ये हमने कहा इरिथ्रोसाइट, WBC को कहा जाता है, याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा, WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट। अच्छा, ल्यूकोसाइट जो है इसको कहा जाता है कि शरीर में रोग प्रतिरक्षी तंत्र को ये बढ़ावा देता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये WBC बढ़ाता है, याद रखिएगा। और प्लेटलेट्स के बारे में तो आप जानते हैं। RBC की बात करें तो ये RBC को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है और शरीर में लंग्स से टिश्यूज तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन RBC के द्वारा ही होता है, ठीक है। RBC की बात करें तो जो RBC मेमल्स में, जितने भी, जैसे हम लोग हैं स्तनधारी है, तो स्तनधारियों के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि RBC भी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो ये भी एक सेल ही है, ये भी एक कोशिका ही है। तो स्तनधारियों के मेमल्स के RBC में, याद रखिएगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है इन जनरल, ठीक है, इन जनरल न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो एक्सेप्शन है, जिसके RBC में, कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो कि एक्सेप्शन है, RBC में उसका न्यूक्लियस होता है, नाम याद रखिएगा, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, याद रखिएगा कि स्तनधारी यानी मेमल्स के RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ऊंट और लामा, इसके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा, आखिर कौन से ऐसे जीव हैं, कौन से ऐसे जंतु जगत के जीव हैं जिसके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, मछली संघ के लोग, मछली, ठीक है, मछलियों के RBC में न्यूक्लियस रहता है। उभयचर यानी कि एम्फीबियंस के RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके अलावे सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके अलावे जो बर्ड्स यानी कि पक्षी, एविस जो होता है, इसके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। RBC में न्यूक्लियस मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षियों के RBC में न्यूक्लियस केंद्रक होता है, लेकिन स्तनधारियों के न्यूक्लियस में, RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। RBC का अगर जीवन काल की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें, तो RBC का, रेड ब्लड कॉर्पसल का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक का होता है। अगर बात करें WBC की जीवन काल की, तो इसका जीवन काल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है।
ठीक है, मैंने आपको आरबीसी का बताया 20 से 120 दिनों तक का ये होता है और उसके बाद ये मर जाती हैं, और ये मर करके ये कहाँ जाती हैं तो आपको पता होगा प्लीहा में जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। देखिए, मनुष्य का हृदय एक बार में, आपको पता होगा कि मनुष्य का हृदय 60 सेकेंड एक मिनट में लगभग नॉर्मली 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार धड़कता है, तो 72 बार जो है लगभग कितने देर में, 60 सेकेंड में धड़कता है, तो एक बार कितने देर में धड़केगा, तो अगर इसको हम निकालेंगे तो लगभग 0.8 सेकेंड में एक बार नॉर्मल जो लोगों का जो है हृदय धड़कता है 0.8 सेकेंड में, याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, आंत ज्वर किसके कारण होता है, व्हाट कॉजेज जो इंटेस्टाइनल फीवर होता है आंत ज्वर, याद रखिएगा। तो आंत ज्वर, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, आंत ज्वर को हम लोग टीवी के नाम से भी, टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं, टाइफाइड आपने सुना होगा, इसको हम आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। आंत ज्वर जो है या फिर टाइफाइड जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के कारण होने वाला बीमारी है। और कौन से जीवाणु, तो याद रखिएगा एक जीवाणु है साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी है टाइफाइड। इस बीमारी के अगर लक्षण की बात करें, टाइफाइड की लक्षण की बात करें, तो इसमें क्या होता है, तेज बुखार होता है। ठीक है, तेज बुखार होता है, उसके अलावे शरीर पर छोटे छोटे दाने भी उगाते हैं, शरीर पर दाने हो आते हैं, होंठ और जीभा में चिपपड़ी आ जाता है, आंत से रक्त स्राव होने लगता है, कभी कभी आंत से रक्त स्राव होने लगता है, उसके अलावे कब्ज वगैरह भी इसमें देखने को मिलता है। तो तेज बुखार, शरीर पर दाना, आंत से रक्त का आना, कब्ज, ये सब जो है लक्षण है टाइफाइड का। टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उपचार के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक देते हैं, प्रतिजैविक देते हैं, जिसका नाम है क्लोरोमाइसिटिन, याद रखिएगा क्लोरोमाइसिटिन। अगर नॉर्मल ये है बीमारी है टाइफाइड, अगर बहुत ज़्यादा संक्रमित से टाइफाइड से संक्रमण नहीं हुआ है तो क्लोरोमाइसिटिन से काम चल जाता है। टाइफाइड एक संक्रमण बीमारी है, संक्रामक बीमारी, याद रखिएगा, मतलब ये कंटामिनेटेड है, ये फैलता है, टाइफाइड जो है संक्रामक बीमारी है, याद इस बात को रखिएगा। अगर टाइफाइड का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया है, टाइफाइड का संक्रमण किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस समय पित्ताशय को भी कभी कभी शरीर से पित्ताशय को निकालना भी पड़ जाता है। ऐसे अगर नॉर्मल संक्रमण है तो क्लोरोमाइसिटिन से काम चल जाता है। इसके अलावा चूंकि टाइफाइड एक जीवाणु से होने वाला बीमारी है, ठीक है, टाइफाइड जो है एक जीवाणु से होने वाला बीमारी है, तो इसके अलावे ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जीवाणु से होता है, तो कुछ नाम याद रख लीजिएगा, कॉमन नेम जो कि पूछा जाता है, ठीक है, जीवाणु से होने वाले बीमारियों के नाम, जिसमें आपका निमोनिया है। अब निमोनिया कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये सब जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियां हैं टाइफाइड के अलावे, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उसके अलावे आपको पता होगा टाइफाइड जीवाणु से होने वाला बीमारी है टिटनस, कौन सा टिटनस, जिसे कि धनुष टंकार भी कहा जाता है, और टिटनस जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनस नाम का बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। उसके अलावे आपको पता होगा क्षय रोग, जिसको कि हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्षय रोग टीबी, और टीबी जो बीमारी होती है ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो टीबी जो होता है ट्यूबर क्लोसिस भी कहते हैं, और इसका जो जीवाणु के कारण इसका ये बीमारी होता है उसको कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टाइफाइड है वह एक जीवाणु से होने वाला बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। लक्षण हमने देखा, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक लिया जाता है क्लोरोमाइसिटिन, अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पित्ताशय को भी कभी कभी निकालना पड़ता है। टाइफाइड से होने वाले कुछ जीवाणु से होने वाले कुछ बीमारी है निमोनिया, जो कि जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनिया
निमोनी के कारण होता है। टिटनस जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी, किस जीवाणु के, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्षय रोग यानी कि टीबी जिस जीवाणु के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया के कारण, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके अलावे हैजा, हैजा के बारे में आपने सुना होगा, हैजा या कॉलेरा, तो हैजा भी एक जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी है। क्या है? जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी है, और ये जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है विब्रियोकोमा। याद रखिएगा, विब्रियोकोमा। और भी बहुत सारे बीमारियां हैं जो कि जीवाणु के कारण होता है, तो आप या आपको पता होगा, जैसे क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, सिफिलिस है, प्लेग है, टाइफॉइड है, मेनिंजाइटिस है, ये सब जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियां हैं। हम आपको थ्योरी क्लास में भी मानव रोग या फिर कभी ह्यूमन डिजीज आप लोगों को करवाएंगे तो वहां पर डिटेल में करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर देखते हैं कि कोई दो युगल, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए है, माता और पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए और बी है, तो उसके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। देखिए आप लोगों को ये बात पता होगा, ठीक है, आप लोगों को ये बात बिल्कुल पता होगा कि जैसे ओ ग्रुप का, ओ ग्रुप और माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसके बच्चों का रक्त ग्रुप जो है, संभावित रक्त ग्रुप ओ होता है। लेकिन जिस माता का भी ओ ब्लड ग्रुप और पिता का भी ओ ब्लड ग्रुप हो तो बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप ओ होता है, लेकिन असंभावित यानी कि कभी भी उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक होता है, बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा कि ओ और ओ के साथ रहे तो हमेशा ओ होगा, ए बी नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावे ओ के साथ अगर किसी का भी रहेगा तो ओ तो होगा ही होगा और जो रहेगा वो रहेगा, उसके अलावे जो है ए तो रहेगा, बी नहीं रहेगा और ए बी नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको पता होगा, उसी तरह से इसमें होता है कि अगर ए माता का ए और पिता का, माता पिता दोनों का ए और बी इस तरह से होता है तो पुत्रों का यानी कि संतानों का जो ब्लड ग्रुप संभावित होता है वो ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप संभावित होता है और ऐसा कोई भी ब्लड ग्रुप इसमें नहीं है जो कि संभावित ना हो, ठीक है। तो ये इस तरह से एक इसका क्लास लेना पड़ेगा ब्लड ग्रुप को लेकर के, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम एक एक करके हर एक चैप्टर का थ्योरी क्लास भी आप लोगों को देंगे यहाँ पर, ठीक है, थ्योरी क्लास भी आप लोग को देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा कि जी हाँ हमको थ्योरी क्लास भी चाहिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर इसके पहले जो ह्यूमन डिजीज की बात करी इन सब का, तो हम आपको एकदम बेसिक समराइज करके, समरी बना करके एकदम पूरा ब्रीफ में आप लोगों को इन चैप्टर के थ्योरी भी करवा देंगे। तो अगर किसी भी युगल का, कपल का जो है, माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके संतानों का ब्लड ग्रुप संभावित ए बी, ओ और ए बी होता है, यानी चारों ब्लड ग्रुप होता है और कोई भी ऐसा नहीं है जो संभावित ना हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्न में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्शियस डिजीज, कौन सा, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, ये सब जो है कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, तो टीबी, जिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, जीवाणु माइकोबैक्टीरियम अभी हमने देखा था, कोलेरा यानी कि हैजा, हैजा के बारे में हमने देखा था, विब्रियो कोमा किसके कारण, विब्रियो कोमा, हैजा जो है जिस बीमारी, जिस बैक्टीरिया के कारण इस ये बीमारी होती है उसका नाम है, उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोमा, और ये जो डिप्थीरिया है ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज है। क्या है? ये डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज है और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम है कोरिने, याद रखिएगा कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ये जो है ये सारे के सारे, कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सब जीवाणु से होने वाले बीमारियां हैं, जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। उसके अलावे ये जो टिटनस है ये भी आपका जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ये टिटनस भी जीवाणु से होने वाला बीमारी है, लेकिन कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया ये सब संक्रामक बीमारी है, लेकिन ये टिटनस जो है ये संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन जिस जीवाणु के कारण, जिस बैक्टीरिया के कारण ये टिटनस होता है, अभी हमने बताया था कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, टिटनस, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण टिटनस नाम का बीमारी होता है जो कि संक्रामक रोग नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि शुष्क सोयल में एनोड पाया जाता है, किसका, इन ड्राई सेल, व्हाट, मतलब शुष्क सेल में एनोड जो होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा एक ड्राई सेल, याद रखेंगे कि एक ड्राई सेल जो होता है, जो शुष्क सेल होता है, ठीक है, तो जो आप लोग जब पढ़िएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन का चैप्टर, तो उसमें देखिएगा ड्राई सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं,
जो आपके विद्युत अपघट्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसमें ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य के लिए देखिए ड्राई सेल का जो बर्तन होता है जिसका बना होता है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। किसका? जिंक का बना होता है। और इस बर्तन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो भरे होते हैं वो मिक्सचर होता है, याद रखिएगा, किसका? तो मैंगनीज, मैंगनीज डाई ऑक्साइड का। नौसादक जिसको कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और उसके अलावे कार्बन वगैरह का ये मिक्सचर होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में ये मिक्सचर यहाँ पर रहता है। और इसमें इसके बीच में एक ग्रेफाइट का, इसके बीच में एक ग्रेफाइट का रॉड होता है। देखिए आप लोगों ने तो शुष्क सेल ड्राई सेल तो देखा ही होगा, तो ये ग्रेफाइट का जो इसके बीच में रॉड होता है ये कैथोड का काम करता है, ठीक है। ग्रेफाइट का जो ये रॉड होता है ये कैथोड का काम करता है, और ये जो बर्तन है जो जिंक का बर्तन है ये आपके ड्राई सेल में एनोड का काम करता है, ठीक है, कैथोड और एनोड का ये काम करता है। तो हमने क्या देखा कि शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो जस्ता होता है यानी जिंक होता है, और जो कैथोड होता है वो ग्रेफाइट का जो रॉड होता है, ठीक है, बीच में जो ग्रेफाइट का रॉड होता है वो आपका कैथोड का काम करता है, ये बात याद रखिएगा, एनोड और कैथोड। और ये जो ये अरेंजमेंट है ये जिंक वाले बर्तन के अंदर, और इसमें जो मिक्सचर होता है उसमें मैंगनीज और डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन, ये सब का मिक्सचर भरा हुआ होता है। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि शुष्क सेल एक प्रकार का इलेक्ट्रिक बैटरी है, आमतौर पर घरों और चलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद ग्रेफाइट का छड़ बीचों बीच होता है, और वो कैथोड का काम करता है, और जो जिंक का बर्तन है, जिंक का जो बर्तन है ये आपका एनोड का काम करता है। तो ये देख लीजिएगा, आपको मैंने बता दिया। अगला सवाल देखते हैं कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो हीमोफीलिया है, याद रखिएगा, ये जो हीमोफीलिया है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये सब जो बीमारी है इसको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड डिजीज। क्या कहा जाता है? सेक्स लिंक्ड, लिंग संलग्न गुण जो बीमारियां हैं। तो ये हीमोफीलिया के अलावे जो सेक्स लिंक्ड डिजीज है वो आपका कौन कौन सा बीमारी होता है हीमोफीलिया के अलावे? कलर ब्लाइंडनेस, आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, ये भी आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज है, लिंग सहलग्न डिजीज कहा जाता है, सेक्स लिंक डिजीज, ठीक है। तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, उसके अलावे गंजापन, ये भी आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज है, यानी कि लिंग सहलग्न बीमारियां हैं। तो हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, गंजापन हो गया, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये चलती है। और ये जो हीमोफीलिया है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मानव रक्त का थक्का बनना, कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाए तो 24 घंटे तक उसके रक्त में थक्का नहीं बनता है इस हीमोफीलिया बीमारी में। और अगर पूछा जाए कि हीमोफीलिया बीमारी का जो करियर होता है, जो वाहक होती है, वो कौन होती है, तो वाहक स्त्रियां होती हैं, याद रखिएगा, जो फीमेल होती हैं ये हीमोफीलिया बीमारी का वाहक होती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिए अगला, देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन बी है, तो आप लोग अगर विटामिन को अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे कि विटामिन बी कौन सा है। अगर रेटिनोल की बात करें तो रेटिनोल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है, रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से आपको विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो रतौंधी, जीरोफथैलेमिया, जीरोपथैलेमिया, ठीक है, उसके अलावे जो है रतौंधी, जीरोपथैलेमिया, ये सब आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए के कुछ सोर्सेज की अगर बात करें कि किससे विटामिन, किसमें ज़्यादातर विटामिन ए का स्रोत है, तो याद रखिएगा पालक है, जो भी हरी साग सब्जियां हैं, पालक हैं, गाजर हैं, ठीक है, उसके अलावे पपीता है, दूध है, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं, पालक, गाजर, पपीता, दूध। और इसकी कमी से रतौंधी, जीरोपथैलेमिया हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। अगर थायमिन की बात करें तो देखिए विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी 8 विटामिन्स का एक ग्रुप है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। B1 से लेकर B12 तक विटामिन बी का जो है कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी का ग्रुप होता है। और विटामिन B1 को, B1 का जो रासायनिक नाम है ये थायमिन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और इसकी कमी से बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए विटामिन बी की, B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरीबेरी नाम का बीमारी हो जाता है। कौन सा? बेरीबेरी नाम का बीमारी हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या जवाब हो जाएगा कि विटामिन बी कौन सा है? थायमिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है, विटामिन B1, जिसका नाम होता है, रासायनिक नाम थायमिन होता है,
ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अलावे ये जो राइबोफ्लेविन है, ये जो राइबो विटामिन बी वन होगा यहाँ पर, ठीक है, विटामिन बी वन याद रखिए, ये जो सवाल पूछा गया विटामिन बी वन के लिए, क्योंकि ये राइबोफ्लेविन है ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक विटामिन है। विटामिन बी टू को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी टू का, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा आँखों का रोग, आँखों का रोग या फिर त्वचा का फटना, ये सब जो है ये सब बीमारियाँ राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाता है, विटामिन बी टू की कमी से हो जाता है। यहाँ पर देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, ये सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करें विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है याद रखिएगा स्कर्वी, जिसमें कि मसूड़े वगैरह फूलने लगते हैं, तो ये है। लेकिन इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब कि विटामिन बी वन कौन सा है, तो थायमिन है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है निम्न में से निम्न ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या में अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा उसके बाद कम उसके बाद उससे कम उसके बाद उससे कम। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी भी ग्रह का उपग्रह है, तो अभी रिसेंट डेटा जो आया है सबसे ज्यादा उपग्रह शनि ग्रह का है, कितना, लगभग 146, कितना, लगभग 146 उपग्रह शनि ग्रह के पास है। उसके बाद बृहस्पति के पास लगभग कहा जाता है कि 80 से 95 तक उपग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर के हो सकते हैं। अगर मंगल के उपग्रह की बात करें तो मंगल का उपग्रह दो है, और वही जो याद रखना है आपको, फोबोस और डेमोस, ठीक है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डेमोस, तो मंगल के तो दो हो गए, जुपिटर के लगभग 80 से 95 तक लेटेस्ट डेटा के अनुसार के उपग्रह हो सकते हैं, शनि यानी सैटर्न के 146 और वरुण के 13 उपग्रह होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि किसका सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा शनि का, ठीक है, उसके बाद आपका बृहस्पति का, उसके बाद वरुण का, और लास्ट में आपका मंगल का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, व्हाट इज द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ एप्रोक्सीमेटली। अगर बात करें कि पृथ्वी है तो ये इसका विषुवत रेखा कहलाता है, ठीक है, और ये इसका इक्वेटोरियल विषुवत यानी इक्वेटोरियल, और ये इसका पोलर रीजन है पोल्स के लेकर। तो जो अगर बात करें पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ठीक है, जो इक्वेटोरियल व्यास है या ध्रुवीय व्यास, ये वाला क्या है ध्रुवीय व्यास है, और ये वाला क्या है विषुवतीय व्यास है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है वो होता है 12756 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और जो आपका ध्रुवीय व्यास होता है वो 12713 किलोमीटर होता है, ध्रुवीय पोलर डायमीटर, और ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर होता है 12756। तो अगर लगभग पूछा गया है तो हम क्या बताएंगे, 12700 बताइए, लगभग पूछा गया है यहाँ पर तो क्या बताना होगा, 12750 के आसपास, ठीक है, 12750 के आसपास आपका विषुवतीय व्यास है पृथ्वी का, ठीक है, विषुवतीय व्यास, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, पृथ्वी का वही वाला सवाल रिपीट हो गया है, अगले सवाल पर चलते हैं कि वृत्ताकार आकृति वाला USSR द्वारा छोड़ा गया, सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था। USSR यानी कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ रशिया के द्वारा जो छोड़ा गया सबसे पहला जो उपग्रह था कौन सा। अगर बात करें कि USSR के द्वारा सबसे पहला अंतरिक्ष की तरफ उठाया गया था पहला कदम, तो 4 अक्टूबर 1957 को USSR के द्वारा एक उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम है स्पुतनिक 1, ठीक है, स्पुतनिक 1 याद रखिएगा। USSR के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को एक उपग्रह छोड़ा गया था स्पुतनिक 1, जिसको कि फेलो ट्रेवलर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फेलो ट्रेवलर के नाम से भी जाना जाता है स्पुतनिक 1, जो कि USSR के द्वारा पहला उपग्रह भू उपग्रह छोड़ा गया था, अर्थ सैटेलाइट छोड़ा गया था USSR के द्वारा, नाम था स्पुतनिक 1, जिसे कि फेलो ट्रेवलर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद स्पुतनिक 2 छोड़ा गया, ठीक है, स्पुतनिक 2, और ये भी USSR के द्वारा छोड़ा गया, और स्पुतनिक 2 में एक उस उपग्रह में एक कुत्ते को भेजा गया था, उसके साथ एक कुत्ते को भेजा गया था और उसका नाम लैका था, याद रखिएगा। तो 4 अक्टूबर 1957 को सबसे पहला USSR के द्वारा भू उपग्रह छोड़ा गया था, नाम था स्पुतनिक 1, और उसे कि हम फेलो ट्रेवलर के नाम से भी जानते हैं। स्पुतनिक 2 में एक कुत्ते को साथ में भेजा गया था, लैका नाम के कुत्ते को साथ में भेजा गया था। अगला सवाल देखिए कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है,
ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये होता है आपका आर इज आर टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये सब आपको हम जब पढ़ाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब फिजिक्स में, तब जा करके ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहाँ से पिघलती है, ग्लेशियर्स में बर्फ का जो है हमेशा कहाँ से पिघलेगा। तो देखिए सनलाइट जो आता है, जब ये इधर आता है तो यहाँ से ये जब परावर्तित होती है तो ये क्या करता है, कुछ रेडिएशन जो है धरती में ही रह जाता है और धरती के नीचे के लेयर को ये गर्म कर देता है। क्या करता है, नीचे के लेयर को गर्म कर देता है, और नीचे वाला लेयर पहले गर्म होता है तब जा करके ये उठता है, फिर ऊपर वाला जो ठंडा वाला चीज़ है वो नीचे आता है। तो नीचे वाला लेयर जब पहले गर्म होगा तो पहले पिघलेगा नीचे वाला स्तर। तो याद रखिएगा कि फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल ये क्या होता है, पिघलना शुरू होता है, ठीक है, सबसे निचले स्तर से ये पिघलना शुरू होता है। अगले सवाल पर देखिए, कहा जा रहा है कि 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर, कहा जा रहा है कि मास कितना है 20 किलोग्राम, और जमीन के ऊपर यानी एच क्या है, एक मीटर, तो 20 किलो एच एक मीटर है, और 20 किलोग्राम का कोई मटेरियल है 20 किलोग्राम का, उसको इतने ऊंचाई पर, एक मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए ये जो कार्य हम जानते हैं, फोर्स जो वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये दूरी ही तो है, और फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एम इंटू ए। तो जब हम यहां पर ये वाला फोर्स, वेट वाला फोर्स हम लोग देखते हैं, क्योंकि फोर्स जो है एनालॉगस होता है वेट के, क्योंकि यहां पर वेट की बात करी जा रही है, तो वेट W इज इक्वल टू क्या होता है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो आपका ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो W बराबर mg हो जाएगा। तो यहां पर जब हम वर्क निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, वेट का mg, ठीक है, और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, वो h है, तो ये mg h से हम निकालेंगे। तो मीटर कितना, मास कितना दिया है 20 किलोग्राम, जी कितना होता है 10 होता है, जी का वैल्यू कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है जी, तो धरती पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये 10 हो गया, और एच कितना दिया है 1 मीटर, तो यहां पर जो वर्क निकलेगा वो कितना, 200 जूल का कार्य करना होगा हमें 20 किलोग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर तक पकड़े रखने के लिए हमें 200 जूल का कार्य करना होगा। किससे निकाला हमने, mgh से निकाला है, ठीक है, mgh से निकाला, m क्या है मास, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एच क्या है, जितना हाइट पर आपको रखना है वो आपका कार्य निकल जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पर एक सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित जो रेखा चित्र में ए और बी के स्थान पर क्या है, तो ये चित्र इस प्रकार से है, आप लोग देखेंगे यहां पर एक एमीटर यहां पर लगा हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर क्या क्या, इस चित्र में क्या क्या लगा है, तो ये आपका एमीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर, इस तरह से सवाल दे दिया जाएगा, आपको बस पहचानना है। तो एक एमीटर लगा है, एमीटर हमेशा याद रखिएगा, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, और जो वोल्ट मीटर है वो आपके पैरेलल में समानांतर लगता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो एमीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, यहाँ पर एमीटर और वोल्ट मीटर लगा हुआ है। देखिए लाई डिटेक्टर यंत्र से किसकी सूचना मिलती है, देखिए लाई डिटेक्टर जो कि आप जानते भी होंगे कि जब किसी कोई टेररिस्ट या फिर कोई होता है जिसका लाई डिटेक्शन किया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है कि नहीं, तो उस यंत्र से हमें क्या सूचना मिलती है कि ये झूठ बोल रहा है, तो याद रखिएगा कि उससे वो जो लाई डिटेक्टर है लोगों के उस शरीर का जो नाड़ी है या श्वसन की गति जो हार्ट बीट है उसको, उसमें जो परिवर्तन, उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसको पकड़ता है, तो ये पकड़ लेता है। अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसका जो हार्ट बीट है वो अलग तरीके का होता है, कोई सच बोल रहा होता है तो उसका हार्ट बीट अलग तरीके का होता है। तो ये जो लाई डिटेक्टर है वो शरीर का नाड़ी या फिर श्वसन की गति में जो परिवर्तन, जो चेंजेज हो रहा है उसको वो डिटेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग ये बता पाता है कि ये आदमी जो है ये झूठ बोल रहा है और ये आदमी जो है ये सच बोल रहा है, इस तरह का बात वहां से पता चलता है। तो लाई डिटेक्टर क्या पकड़ता है, हम शरीर के नाड़ी या पल्स या फिर हार्ट बीट में हो रहे चेंजेज को ये आता है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इनर्ट गैस, तो इसके बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो अपना डुप्लेट
यानी कि डुप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट अगर पूरा हो गया तो ये संतुष्ट हो जाता है, डुप्लेट पूरा होता है तो संतुष्ट हो जाता है, यानी कि ये संतुष्ट होकर चुपचाप बैठ जाता है। अब इसको भोजन की आवश्यकता नहीं है। जब इसको ये संतुष्ट हो जाएगा तो ये किसी से लड़ाई झगड़ा मार झगड़ा कुछ करेगा ही नहीं, किसी से कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको इनर्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस कहा जाता है, यानी अक्रिय। अब ये किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और जो इनर्ट गैस है ये आपका क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन, ये तो आपको पता होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो ये जो है ये आपका, इसे हम नोबेल गैस भी कहते हैं, इसे हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी से किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका इनर्ट गैस है और इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 8 होती है। कितना? 8 होती है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? देखिए, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करता है, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाता है खुद से। इसी कारण से प्लांट को स्वपोषी कहा जाता है, यानी ऑटोट्रॉप कहा जाता है, आपको पता होगा ऑटोट्रॉप। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण करके खुद के लिए भोजन तैयार करता है तो इसको कुछ सामग्री चाहिए होता है, इसको कुछ मटेरियल चाहिए होता है। तो इसको चाहिए होता है, याद रखिएगा, इसको क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको चाहिए होता है पानी, वाटर। और ये जब इसे मिलता है तब जा करके ये इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, और सनलाइट की उपस्थिति में जब इतना कुछ इसे मिल जाता है तब फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का? तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मॉलिक्यूल वाटर जब मिलता है तब जा करके ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, 6C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और रिलीज करता है ये क्या? ऑक्सीजन को, बाद में फोटोसिंथेसिस होने के बाद। तो इसमें क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 मॉलिक्यूल वाटर का और उसके बाद क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में कोई भी प्लांट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और उसके बाद ये ग्लूकोज बनाता है, यानी कि अपने लिए भोजन बनाता है। C6H12O6 वाटर यहां से निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है ये रिलीज कर देता है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है जिसके कारण हमारे वातावरण का निर्माण हो पाता है। तो वातावरण के निर्माण में प्लांट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फोटोसिंथेसिस करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्लांट लगाइए। अगला देखिए, मायोसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? जो मायोसिन प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। मायोसिन प्रोटीन बाल में, दूध में, पेशियों में या फिर मक्का में? चलिए बताइए जल्दी से कि मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो मायोसिन प्रोटीन जो है ये मसल्स में पाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पर? मायोसिन प्रोटीन मसल्स में, पेशियों में पाया जाता है। अगर बात करें प्रोटीन की तो एक यूनिट प्रोटीन, चूंकि प्रोटीन एक पॉलीमर है और एक यूनिट प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। कितना? 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। इन 20 अमीनो एसिड में 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में इसका निर्माण हो जाता है। तो जो बॉडी में हमारा निर्माण हो जाता है उसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसका निर्माण हमारे बॉडी में खुद ब खुद हो जाता है ऑटोमेटिकली। और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसको हमें बाहर से भोजन के माध्यम से लेना होता है, यानी कि फूड से। तो इसको हमें क्या कहना होता है? फूड से। ऐसे 10 अमीनो एसिड फूड से, इसे हम कहते हैं क्या? एसेंशियल, यानी कि अनिवार्य अमीनो अम्ल, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जिसका हमें भोजन से चाहिए होता है बाहर से उसे हम कहते हैं अनिवार्य अमीनो एसिड, और जिसका निर्माण शरीर में ही हो जाता है वो आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो 10 अमीनो एसिड बॉडी में इसका निर्माण होता है खुद ब खुद, और 10 अमीनो एसिड हम बाहर से लाते हैं। और जब बाहर से मिल जाता है 10 अमीनो एसिड और शरीर में 10 है तो दोनों मिलकर एक यूनिट प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, वैसे हम आपको थ्योरी क्लास करवाएंगे, उस थ्योरी क्लास में बताएंगे कि प्रोटीन 3 तरह का होता है। एक आपका सरल प्रोटीन होता है जिसको सिंपल प्रोटीन कहा जाता है, एक आपका होता है संयुग्मी प्रोटीन जिसको कहा जाता है कंजुगेट प्रोटीन, ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन, और एक आपका होता है व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन। तो 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से होती है तो इसका नाम अलग अलग होता है। सरल प्रोटीन में इतना मान के चलिए केवल अमीनो एसिड के ये बने होते हैं, कुछ सरल अमीनो एसिड जैसे एल्ब्यूमिन होते हैं तो वो हम बताएंगे। संयुग्मी जिसमें कि केवल अमीनो एसिड भी होता है और इसके अलावा कुछ अन्य मॉलिक्यूल्स भी इसमें शामिल होते हैं,
होते हैं प्रोटीन बनाने में। और जो वित्तपन प्रोटीन होता है वो क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोटीन होता है, नेचुरल प्रोटीन का जलीय अपघटन से, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के द्वारा, नेचुरल प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से वित्तपन प्रोटीन बनते हैं। जैसे कि इंसुलिन एक वित्तपन प्रोटीन है, इंसुलिन एक वित्तपन प्रोटीन है, डेराइव प्रोटीन है। संयुग्मी प्रोटीन की बात करें तो याद रखिएगा जैसे ग्लाइको प्रोटीन से, ये सब ग्लाइको प्रोटीन, और सरल प्रोटीन में आपका एल्ब्यूमिन याद रख लीजिएगा। तो ये प्रोटीन हम ऐसे देखेंगे, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इसके बारे में हम क्लास करेंगे, पोषक तत्वों के बारे में। तो प्रोटीन एक यूनिट बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, 10 हमारे शरीर में बनता है, 10 हमारे शरीर से बाहर यानी भोजन से हमें चाहिए होता है। जो भोजन से चाहिए होता है वो एसेंशियल होता है, जो शरीर में बनता है वो आपका नॉन एसेंशियल होता है। मायोसिन प्रोटीन पेशियों में पाया जाता है। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस को देखा है। इसके पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको जाना है और वहां पर 1000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज का फोल्डर बना दिया गया है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप देर मत कीजिए, एकदम लग जाइए पूरे लगन से। हम आपके लिए यहां पर एक गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, यकीन मानिए इस 90 दिनों के गाइडेंस प्रोग्राम के बाद आपको जैसा जैसा कहा जाए, जितना आपको कहा जाए, जैसे कहा जाए, अगर आप करते जाएंगे तो आप एक अपने सीट के लिए प्रबल दावेदार रहेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि यहां पर आपसे आपका भविष्य है, आपका लाइफ है, आपका सब कुछ है, बस आपको यहां पर कंसिस्टेंट बनाया जाएगा, आपको फोकस्ड बनाया जाएगा, कंसंट्रेटेड बनाया जाएगा, और यहां से आपको हर तरह से सहायता दिया जाएगा ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सके। देखिए ये जो इसमें क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और लाइव हम कभी कभी आपसे किसी डाउट को लेकर के कैसी तैयारी चल रही है इन सबके आपसे मिलेंगी। जितनी जरूरत उतनी पढ़ाई, सटीक रणनीति के तहत हम यहाँ पर क्लास को करेंगे और टारगेटेड अप्रोच के द्वारा। इस कोर्स में हम आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बिंग बांग ना करते हुए एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से कि हाँ इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये आपको बताया जाएगा और इस तरह से आपको गाइड किया जाएगा, आपको हाथ पकड़ के चलाया जाएगा, बस आपको चलना है। और अगर आप चल जाएंगे तो उसके बाद आप देखिएगा 3 महीने के बाद आपको लगेगा कि जो आप जैसा कहा जाए सीरियस होकर के आप करेंगे तो 3 महीने के बाद आप कहेंगे कि हाँ अब हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो ये नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या फिर परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जल्दी से कोर्स में इनरोल हो जाइए। अगर आप पेपर 2 के अंदर, जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 के अंदर आपने खोरठा लिया है और आप चाहते हैं कि हमारा पेपर 2 में 90+ आ जाए, तो हम आपके लिए यहां पर एक नए सिलेबस पर आधारित एक कोर्स चला रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स एमसीक्यू मिलेगा और 90+ की गारंटी होगी। बिल्कुल स्मार्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे 40 से 50 दिनों के अंदर हम पूरे खोरठा के सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस। और उसके बाद हम मार्केट में जब भी कोई अच्छी सी प्रैक्टिस सेट आएगी तो उस प्रैक्टिस सेट को भी 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको इसी कोर्स में कराने वाले हैं। तो बहुत अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि आप एक जगह पर अच्छे से कम गुरु दक्षिणा के साथ जो है पूरे खोरठा को अच्छे से रिवाइज कर पाएं, एमसीक्यू लगा पाएं, पूरे अच्छे सिलेबस एक साथ आपका हो पाए और 90+ हम एकदम पूरा दमखम के साथ ले आ पाएं। इसके लिए आपको इस कोर्स में जुड़ना पड़ेगा। क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस आपको अल्टरनेट रिकॉर्डेड मिलेंगी और 40 से 50 दिनों में हम आपका पूरा कोर्स यहां पर कवर कर देंगे, आपको एमसीक्यू करवा देंगे और फिर आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी 10 से 15 करवा देंगे इसी कोर्स में। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसमें कोर्स में आप जल्दी से एनरोल हो जाइए। समय नहीं है, समय बीतते जा रहा है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा भाग दौड़ में फंसिएगा तो फिर से भटकाव निश्चित है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।